तो हमारा खूबसूरत सफ़र एक पवित्र शहर के लिए जिसे घाटों का शहर कहते हैं, जिसे बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी कहते हैं, यानी बनारस। हम लोग चल रहे हैं बनारस। सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे अपने घर से लखनऊ, यानी लखनऊ जंक्शन, और लखनऊ जंक्शन से जाएंगे हम लोग बनारस। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भगवान शिव ने आज से लगभग 5000 साल पहले बनारस शहर की स्थापना की थी। तो हमारा सफ़र शुरू होने वाला है लखनऊ जंक्शन से। हम लोग लखनऊ जंक्शन से जो है बनारस शहर की ओर प्रस्थान करेंगे छपरा एक्सप्रेस से। और देख सकते हैं हम लोग लखनऊ जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। कलरफुल जो है एकदम जंक्शन बना हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं, तो इसका कलर जो है समय समय पर चेंज होता रहता है। तो हम लोग लखनऊ जंक्शन पहुंच चुके हैं, बस अभी फटाक से पहुंचेंगे हम लोग कहाँ, वाराणसी। तो हम लोग वाराणसी जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और लगभग 7 से 8 घंटे का सफ़र रहा हमारी ट्रेन का, तो पहुंच चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे सीधे अस्सी घाट टहलने के लिए। बहुत ही सुंदर रास्ता है, बीच बीच में आपको जो है कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी, बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो बनारस शहर जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है, आप जो है इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे साथ। तो जुड़े रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं, अस्सी घाट पर। तो भैया अभी पहुँचते हैं हम लोग कहाँ, अस्सी मोहल्ले में। सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे अस्सी मोहल्ले में और फिर उसके बाद पहुँचेंगे अस्सी घाट। तो बस ये है आपका मोहल्ला और आपका अभी आने वाला है अस्सी घाट। अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, ये बहुत ही फेमस घाट हैं। कहाँ के 84 घाटों में, बनारस के घाटों में सबसे फेमस हैं। तो ये है आपका अस्सी घाट। आप जो है इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं, आप जो है यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। तो आप अस्सी घाट का नज़ारा ले सकते हैं। ये है हमारा अस्सी घाट। और अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, ये बहुत ही फेमस घाट हैं 84 घाटों में बनारस के। देखिए दशाश्वमेध घाट जो है इसकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी भगवान शिव के स्वागत के लिए, ऐसा कहा जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अस्सी घाट बना हुआ है। और भी बहुत सारे घाटों को आप बोट के माध्यम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कुछ खा भी सकते हैं, जैसे इडली, हम लोगों ने इडली खाई, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। आप मछलियों को देखते हैं, ये तो एक्वेरियम की मछलियाँ हैं, हम लोग होटल में गए थे वहाँ देखने को मिली थी, तो आप देख सकते हैं। अगर आप बनारस शहर गए हैं और बोटिंग नहीं कर रहे हैं तो घाटों का मज़ा लेना बेकार ही है। तो हम लोग बोटिंग शुरू कर देते हैं और सबसे पहले घाट पर पहुंचते हैं हरिश्चंद घाट। 84 घाट हैं, 2 घाट ऐसे बनारस में हैं जिन पर डेड बॉडीज़ जो है जलाई जाती हैं, तो उनमें से एक हरिश्चंद घाट है। हरिश्चंद, वही हरिश्चंद सत्यवादी राजा हरिश्चंद, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस घाट का नाम रखा गया है। और महाराजा हरिश्चंद मंदिर भी यहीं पर है। आप जो है खूबसूरत कलाकृतियाँ जो है दीवारों पर देख सकते हैं। और पास में जो है शिवलिंग बना हुआ है, जय भोलेनाथ। और गंगा माँ जो है इनका जलस्तर जो है काफ़ी ज़्यादा था, इसी वजह से काफ़ी मंदिर जो है डूब गए थे, काफ़ी घाटों की सीढ़ियाँ जो है डूबी हुई हैं। आप देख सकते हैं कर्नाटक घाट, और घाटों के पास में जो है बहुत सारी बोट आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो है बोट पर बैठ सकते हैं और गंगा के घाट जो है इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनकी खूबसूरती को आसानी से देख सकते हैं। तो एंजॉय करें आप इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये काशी नरेश चेत सिंह का किला है, यहाँ पर जो है सत्यमेव जयते और जॉली LLB 2 मूवी की शूटिंग हुई है। और बहुत ही शानदार ये किला बना हुआ है। और जो बोटिंग करा रहा था, यानी जो बोट चला रहा था, वो बता रहा था कि यहाँ पर जो है सत्यमेव जयते और जॉली LLB 2 की शूटिंग हुई है। तो आप जो है देखिए इन प्यारे प्यारे घाटों को। तो वाराणसी जो है शहर ऐसा है जो घाटों के नाम से फेमस है। इस समय हम केदारनाथ घाट में हैं, देख रहे हैं जो है गंगा नदी में बोटिंग हो रही है और काफ़ी सारे सेनानी आते हैं यहाँ पर टहलने के लिए, श्रद्धालु भी आते हैं, देश विदेश से आते हैं, अपने देश से आते हैं और विदेश से भी बहुत सारे लोग देखने को आपको मिल जाएंगे। तो गंगा नदी का विस्तार जो है काफ़ी यहाँ पर चौड़ा है,
काफ़ी चौड़ी एरिया में, काफ़ी चौड़े क्षेत्र में जो है गंगा नदी बहती है। आप देख सकते हैं नज़ारा केदार घाट का, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो 84 घाट हैं, 84 घाट में से बहुत सारे प्रसिद्ध घाट हैं, उनमें से एक घाट है आपका क्षमेश्वर घाट। यहाँ पर जो है आप कोई भी पाप करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो यहाँ पर जो है आकर के स्नान कर सकते हैं और अपनी गलती की क्षमा मांग सकते हैं, आपकी गलती क्षमा कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है क्षमेश्वर घाट है ये। उसके बाद आपका पड़ेगा नारद घाट। कहते हैं 84 घाट में आप 83 घाट पर जो है अपनी बीवी के साथ यानी पत्नी के साथ जो है नहा सकते हैं, लेकिन नारद घाट पर अगर आप नहाएंगे तो आपकी लड़ाई और भी ज़्यादा होगी अपनी बीवी से। तो इसी वजह से नारद घाट पर जो है अपनी पत्नी के साथ आप नहीं नहा सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा प्यारा सा घाट राजा घाट, देख सकते हैं आप। तो एक्सप्लोर करिए इस ब्यूटी को। तो पवित्र गंगा नदी में जो है बोट चल रही है, घाटों की सुंदरता देखने के लिए जो है बहुत सारी बोट जो है यहाँ पर चलाई जाती है। आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं, यानी जो भी आपको बोट अच्छी लगे आप उसमें जा सकते हैं और जो है घाटों की सुंदरता को निहार सकते हैं। बहुत ही सुंदर घाट है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी नाव जो है पवित्र गंगा नदी में चल रही हैं। और देख सकते हैं गंगा नदी जो इनका विस्तार है बहुत ही ज़्यादा है बनारस में। अब आपको जो है कुछ घाट दिखाई देंगे बहुत ही सुंदर। बस देखिए घाट आ गया आपका शिवाला घाट। देखिए इसके पास में जो है मंदिर है, डूबा हुआ है, ऊपर का जो भाग है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो घाट है ये दूसरा घाट है जहाँ पर डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। पहला घाट था हरिश्चंद घाट, दूसरा है आपका मणिकर्णिका घाट। 84 घाटों में केवल दो घाटों पर जो है डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। और यहाँ पर जो डेड बॉडीज जलाई जाती हैं दिन में एटलीस्ट कहा जाता है 80 डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी डेड बॉडी जलाई जाती हैं सीधे जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। और देख रहे होंगे कुछ मंदिर ऐसे हैं जो आधे आधे डूबे हुए हैं। ये मैं चल रहा हूँ बीच नदी में बोटिंग में और काफ़ी हवा अच्छी चल रही थी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा घाट बना हुआ है। पास में जो है लाइट की व्यवस्था करी गई है, ये जो खंभे लगे हुए हैं लाइट की व्यवस्था है, और ये पास में नया घाट बनाया गया है। तो बहुत ही सुंदर घाट है, आप जो है जा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं बनारस के घाटों का, बहुत ही खूबसूरत। और कुछ गंगा घाट के किनारे जो है होटल बनाए गए हैं, कहा जाता है उनका जो किराया है एक रात का 18,000 रुपये है। तो मैं तो बड़ा अचंभित हुआ। तो बहुत ही जो है अच्छा शहर है और बहुत ही मन को सुकून मिलता है जब आप गंगा की घाटी में जाते हैं। आप देख सकते हैं गंगा मतलब बीच नदी में जो है ये नाव जो है रुकी हुई थी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो एक्सप्लोर करें ब्यूटी को। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ रिवर गंगा।